और वो जो उसमें सब लिखा पड़ी में है पूरा, उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बैनामा किया 18 मार्च 2021 7:05 पर। इसमें सब लिखा पड़ी में है, सब लिखा पड़ी में है, बैनामा हुआ। और बैनामा करने के 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 7:15 पर, 16 मिनट पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। तो मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टी में गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही हैं और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है, ये रजिस्टर एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, राम की धरती पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और एक बात बता दूं, जहां पर ये जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई है, आज जाकर पता कर लीजिए, इसी के अगल बगल की जो जमीनें हैं वो आज भी 1.50 करोड़ और 2 करोड़ में मिल रही है। ऐसा नहीं कि कोई वहां मूल भाव बढ़ गया, आज जमीन वहां कोई 18 करोड़ की मिल रही है। यह आपको जांच करने का मुद्दा दे रहा हूं, जाइए जांच कर लीजिए, वहां के रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए। और यही भ्रष्टाचार लगातार ट्रस्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से लोग मिले हैं, कौन कौन से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पे अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों रुपया खा गए राम के नाम पर, करोड़ों रुपया खा गए और बताएंगे देशभक्ति, बताएंगे राम भक्ति। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश के होने में या फिर तारीखों के ऐलान होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले यूपी विधानसभा के चुनावों को लेकर ही सियासत गर्मा चुकी है और इस सियासत को गर्म करने का काम किया है समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस इस खेल में अभी तक उतरी नहीं, या फिर ये कहें कि कांग्रेस अभी भी जीरो पर है। दरअसल 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन राम लला को लेकर खरीदी गई जमीन, ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन का एक संगीन आरोप, एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने लगाया, यानी कि राम मंदिर ट्रस्ट पर इस घोटाले का सीधा आरोप मढ़ दिया है। सीबीआई जांच की मांग इसको लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद ली। उन्होंने दावा किया दोनों लेन देन में 5 मिनट के भीतर ये लेन देन किया गया और इसके लिए सीधा जिम्मेदार उन्होंने चंपत राय को ठहरा दिया है, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट में जमीन खरीद में घोटाले के आरोपों पर ट्रस्ट ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, लोग पिछले 100 साल से हम पर आरोप लगाते आ रहे हैं, हम पर महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप है भाई साहब, हमें इस तरह के आरोपों की परवाह नहीं है, हम उनका अध्ययन करेंगे और फिर इसका जवाब माकूल दें। गौरतलब है कि अयोध्या को लेकर विदेशों से भी फंड आ रहा है और अब तक तकरीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो चुका है, जिसमें खुद 500 करोड़ की FD SBI बैंक में ट्रस्ट की ओर से कुछ दिन पहले करवाई गई थी। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या वाकई ट्रस्ट ने एक बड़ा घोटाला किया है, जो आरोप फिलहाल लगाए जा रहे हैं? जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार।